ओके गाइस, तो कैसे हैं आप सब? सब दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक मैसेंजर के अंदर दोस्तों हम अपने वीडियो कॉल और साथ में ऑडियो कॉल और वॉइस मैसेजेस को हम ऑफ करना चाहते हैं। अगर सिर्फ वॉइस मैसेज आप रखना चाहते हैं, टाइपिंग वाला रखना चाहते हैं, मतलब आपका जहन है कि मैं सिर्फ वीडियो कॉल को ही ऑफ करना चाहता हूँ या ऑडियो कॉल का मैं जो है वो ऑफ करना चाहता हूँ, किसी चीज को भी अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसी सेटिंग है जिसे सिर्फ आपने ऑन करना है, ये कोई जुगाड़ नहीं है, जिसकी मदद से दोस्तों आप कर सकते हैं। ओरिजिनली दोस्तों आप इसको इजीली कर सकते हैं, आपको डिफरेंट वीडियोस YouTube पर देखने को मिल जाती है, हजारों के लाखों के हिसाब से आपको वीडियोस देखने को मिलती है, लेकिन वहां पर आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई जाती हैं जो काम करती भी हैं लेकिन नहीं भी करती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे दोस्तों आप इजीली जो है इस चीज को सॉल्व भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल को ऑडियो कॉल को ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। ओके गाइस, यहां पर आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आज बिल्कुल हम यही बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से फेसबुक मैसेंजर से, अगर आपके पास मैसेंजर भी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से ही अपनी वीडियो कॉल को ऑफ करना चाहते हैं और साथ में वॉइस मैसेजेस आप ऑफ करना चाहते हैं कि आपको कोई भी जो है वो वॉइस मैसेज ना कर पाए और साथ में वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कोई भी आपको ना कर पाए, और आप जानना चाहते हैं यार किस तरह से हम कर सकते हैं इसको डिसेबल। और बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको डिफरेंट वीडियोस बहुत देखने को मिल जाती हैं जिससे दोस्तों आप ये भी पता नहीं लगा पा रहे कि हम किस तरह से कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं। लोग आपको बहुत सारी न्यू ट्रिक्स के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खास ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी बेहतरीन होगी, और आप इसका अगर फायदा उठाएंगे तो यकीनन दोस्तों आप अपने जो वो मैसेंजर से दोस्तों, फेसबुक से दोस्तों, इस चीज को ऑफ कर सकते हैं जो आप करने आए हो। तो खैर बात कर लेते हैं दोस्तों, हमें अब ये सब कुछ कैसे करना है। तो यहां पर दोस्तों एक तो चीज मैं आपको बता दूं कि फेसबुक जब आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद कुछ सिंपल ही पेज आपके पास ये आ जाएगा। अब यहां पर एक मेन पॉइंट ये भी है कि अगर मैसेंजर के ऊपर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का सीन आ जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगा कि यहां पर अगर मैं किसी को कॉल करता हूं या कोई मुझे कॉल करता है तो वहां पर हमें जो है वो कॉल का ऑप्शन और यहां पर वीडियो कॉल जो है वो जानी स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर हमें इन दो चीजों को जो है वो ऑफ करना है, और नीचे दोस्तों वॉइस का जो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या है कि दोस्तों यहां पर हमें जो है वो टाइपिंग करके ही कोई भी बंदा अगर मैसेज करे तो उसके लिए हम ठीक हैं, और सिर्फ टाइपिंग वाला मैसेज ही चाहिए। अगर आप वॉइस मैसेज जो है वो आप नहीं हटाना चाहते, सिर्फ वीडियो कॉल का ऑडियो कॉल का ही हटाना चाहते हैं तो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा अपने फोन की सेटिंग के अंदर, कोई अदर एप्लीकेशन का हमें यूज नहीं करना है, तो आप डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने फोन की सेटिंग का ही करेंगे। सबसे पहले मेन पॉइंट में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको फोन के अंदर सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है, बेहतरीन काम है, अगर नहीं देखने को मिलता तो उसके लिए भी आप खास एक चीज कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पर हमारे स्मार्टफोन की जितनी भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं वहां पर ही मौजूद होती है, और आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। और दूसरा काम यह भी, अगर आपको सर्च का या सेटिंग के अंदर वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सिंपली आप फेसबुक पर जाएं और फेसबुक पर प्रेस करके रखें, और यहां पर दोस्तों आपको ऐप इन्फो का एक दरमियान के अंदर या आपको सिर्फ ऐप इन्फो का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और सिंपली दोस्तों आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। अगर ये भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, यहां पर अगर आप सेटिंग पे आएंगे और यहां पर ऐप्स वाले ऑप्शन पे आएंगे और मैनेज ऐप्स के ऊपर आ जाइएगा, यहां पर आपने सर्च कर लेनी है फेसबुक। फेसबुक आप सर्च कर सकते हैं या तो आप फेसबुक को उस तरीके से ढूंढ सकते हैं। अब मेरे पास यहां पर 949 ऐप्स है तो मैं यहां पर सर्च ही कर लूंगा, क्योंकि ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या आप इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसको ओपन करता हूं, क्लिक करता हूं, वही पेज पर आ चुका हूं। यहां पर हमें एक सेटिंग करनी है, वो ये करनी है कि ऐप परमिशंस के एक ऑप्शन देखने को मिलता है, हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नंबर वन दोस्तों हमें कैमरे का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हमने डॉट अलाउ इसको कर देना है। उसके बाद करना क्या है, हमें माइक्रोफोन है जो हम वॉइस करते हैं किसी को भी, वो भी आपने इसको डॉट कर देना है। अब नंबर वन दोस्तों हमने ये जो परमिशंस है इनको अलाउ नहीं किया कैमरे को, इससे दोस्तों आपकी ना वीडियो कॉल
जाएगी, ना वीडियो आप कॉल कर सकेंगे किसी को, ना आपको कोई कर सकेगा। उसके बाद माइक्रोफोन का ये है कि आपको कोई वॉइस मैसेज नहीं कर पाएगा, इससे बेहतरीन काम ये है कि सिर्फ टाइपिंग ही मैसेज होगी और आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आप किसी को, अगर आप कोई मतलब आपको कोई फोटो वीडियोस ना शेयर कर पाए, आप फाइल वाला भी डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से जो चीज़ आप चाहते हो कि वो डिसेबल हो जाए, यहाँ से उस लोकेशन को आप ऑफ कर सकते हैं, परमिशन को ऑफ कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर दो काम किए और मैं चलता हूँ भाईजान मैसेंजर के ऊपर, और मैसेंजर के ऊपर दोस्तों आपको कोई बंदा भी कॉल नहीं कर। और एक बात ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि परमिशंस यहाँ पर अलाउ नहीं, पर दोस्तों आप इस तरीके से देख सकते हैं नो परमिशन टू स्टार्ट, खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही डिलीट कट जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कोई भी बंदा कॉल नहीं कर पाएगा। अगर आप कर रहे हो तो परमिशन जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक कोई भी कॉल आपके पास नहीं आएगी और ना ही आप किसी को कर पाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत आसान से तरीके से आप अपनी ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चले यार मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ।